सबका सिक्का पाव बुरा। और ये जो सामने चांद दिख रहा है ना, इस पे मन्नत मांग के मारते हैं। बाल कहाँ से कलर करवाए? पूछी बाबू झूठी। हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत दिन से मैं व्लॉग नहीं डाल रहा था क्योंकि यहाँ पे नेट का बहुत इशू है। और हम लोग आए हैं हमारे घर से 240 किलोमीटर दूर बहराइच। और ये दरगाह पे मैं आज से 10 साल पहले हर साल आता था, 10 साल बाद ही दरगाह पे आया हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। पहले चलते हैं बाबा जान की ज़ियारत करते हैं। चलो चलो, इन लोग बहुत लेट कर रहे हैं। ये बच्चे लोग हमेशा लेट कर देते हैं हमारे। दो दो जन बना सकते एक नल में। बस चलते हैं, अभी ज़ियारत करते हैं बाबा जान की। कल रात हम 1:30 पे यहाँ पहुँच गए थे, बट कल रात में ज़ियारत नहीं किए, तो कल रात यहीं पे स्टे किए। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 9, तो 9 बजे हम जा रहे हैं, पहले बाबा जान की ज़ियारत करेंगे। तो ये जंजीरा गेट है, एंट्री गेट है। और ये हमारी अम्मी लोग यहाँ परेशान होते हुए, क्योंकि हम लोग ने बहुत लेट कर दिया वजू करते करते। तो ये है दरगाह शरीफ, बाहर से कुछ ऐसी दिख रही है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी दरगाह है। और यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है मेरी, क्योंकि मैं हर साल आता था पहले जब यहाँ पे मेला लगता था। और ये सब दुकान वगैरह लगी हुई है। और अभी एंट्री गेट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को दरगाह शरीफ की। तो ये रहा एंट्री गेट, तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे। तो ये है मेन एंट्री गेट दरगाह के लिए, सैयद सालार गाजी, तो इसे कहते हैं नाल दरवाजा। तो यहाँ से एंट्री है दरगाह की। तो हम जा रहे हैं अंदर, अंदर से कुछ ऐसी है दरगाह शरीफ। अभी हम जा रहे हैं ज़ियारत करने बाबा जान की। सामने ही हमारे दरगाह है, ज़ियारत करके हम अभी बाहर बैठे हैं और यहाँ से बैठ के दुआएं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब सिक्का चिपकाते अपनी मुराद मांग के, सबका सिक्का पाव बुरा। और यहाँ पे सब सिक्का चिपका रहे अपनी मुरादें मांग मांग के। यहाँ पे देखो सिक्का चिपकाया हुआ है। तो यहाँ से लिए अभी हमने ये सी कौड़ी। और ये जो सामने चांद दिख रहा है ना, इस पे मन्नत मांग के मारते हैं, और जिसकी लग गई कौड़ी उसकी मन्नत हो गई पूरी। तो लेट्स ट्राई, मैं भी मार के देखता हूँ। एक आग लाओ, मेरे को भी दो, मैं भी मारूं। तू भी मारेगा? ले एक ले ले। गया राजा, नहीं लगा तेरा। हमने भी ट्राई किया बट हमारा लगा नहीं सिक्का, सिक्का मतलब कौड़ी जो थी। हमने भी मारा बट कौड़ी हमारी लगी नहीं कहीं पे भी। और ये रही दरगाह शरीफ सैयद सालार गाजी की। दरगाह के अंदर ही मस्जिद है, मस्जिद भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। इसे गाजी सरकार बाबा का नाम लेके उठाना रहता है। और सलमान भाई ने तो 6 से 7 बार कुछ उठाया, और इसके बाद राजा ने उठाया, और फिर मैंने उठाया, बट मेरा जो वीडियो क्लिप है वो शूट नहीं किया मैंने। तो हम कल रात से यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन कल बहुत लेट नाइट हो गया था जैसे मैंने बोला। सबसे पहला मॉर्निंग में उठे, फ्रेश हुए, ज़ियारत किए, और अभी यहाँ पे बहुत कुछ करने वाली मेरी नानी, जैसे कि हर साल आते थे जब भी करते थे पहले से, हर साल आते थे तो बहुत सारी चीज़ें करते थे यहीं पे, खाना बनाना, तो सारी चीज़ें बाकी है, करेंगे अभी। ये दिल्लू भयंकर हमरे, दिल्लू भयंकर चुरा लो, चुरा लो। तो मॉर्निंग में हमने नाश्ता नहीं किया था, तो हमने सोचा क्यों ना हलवा पराठा का नाश्ता किया जाए। तो काफ़ी फ्रेश लग रहा था, तो खाते हैं अभी हम हलवा पराठा। भैया थोड़ा ये भी डाल देना। A few minutes later. तो अभी हम आए कबाब खाने, और ये कबाब खा रहे हैं और बहुत ही टेस्टी है। और ये लड़के का हेयर स्टाइल देख लो गाइस। ए बाबू इधर आओ, इसका हेयर स्टाइल बहुत तगड़ा लग रहा है। कहाँ से करवाए हो भैया ये कर्लर? अमेजिंग। हाँ अरे इधर आना भाई, इधर आ बाबू। ए नजदीक आओ। ये बाल कहाँ से कलर करवाए? 50 में? क्या बात है यार, मेरा भी हो जाएगा ऐसा? कितना लेगा मेरा? 45। मेरा कितना पैसा लेगा? 50 रुपए में कर रहा है इसका कलर। More moments later. तो अभी हमने वहाँ से खा के आ गया है, और ये दरगाह पे अम्मी कुछ रेसिपी बनाने वाली हैं। ये मेरी बहना लोग गोश्त साफ कर रही हैं, इतना बड़ा बड़ा पीस दे दिया, उसे छोटा करने बोलना था। तो यहाँ पे गोश्त कटिंग हो रहा है, और हमारी खाला यहाँ बना रही मीठा जर्दा, और मेरी अम्मी वहाँ तेल। और एक खालू जी क्या बना रहे हो आप इसमें? चावल बघा रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं।
पुलाव बनाया जा रहा है यहाँ, वहाँ चिकन धोया जा रहा है, और ये हमारी फैमिली के कुछ बच्चे यहाँ इसे लेते पड़े हैं। यहाँ चिकन साफ किया जा रहा है, ये सब तैयारी चल रही। शाना बाबू चुकू लुल्लू बोकू टुटू, क्यूट था ना। अभी शाम के 6 बज गए और मस्त हमने खाना वाना खाया बना के, बहुत मजा आया। तो ज्यारत हमने फिर से करके आए बाहर, और यहाँ पे कुछ ऐसे सब सामान लगे हुए हैं, मतलब ऐसे कुछ एक्सेसरीज वगैरह बिखरी है, और यहाँ पे मिठाई वगैरह और हलवा पराठा। तो अभी हम जा रहे हैं हमारी गाड़ी के पास, और बस अब यहाँ से हम निकलेंगे आधे घंटे में। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अभी हम बाराइस से निकल रहे हैं घर के लिए। सो चलो चलते हैं।